से छाओ डिजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 13 फीट में प्लान बना हुआ है जो कि 170 स्क्वायर फीट में होगा, मात्र 18 गज में प्लान बना हुआ है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के वेंटिलेशन डायमेंशंस, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 13 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 13 फीट की होगी। काफ़ी छोटे प्लॉट में ये प्लानिंग की गई है। आप इसी एरिए से इजीली अपना आइडियाज़ वगैरह ले सकते हैं। अगर आप भी हमसे नक्शा बनवाने की सोच रहे हो तो इजीली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको हमारा नंबर स्क्रीन पर शो ही हो रहा होगा। इस साइड अपना आप स्टेप वगैरह दे पाएंगे। इस साइड का तो ये आपको मेन गेट मिलेगा जो कि हमने 3.5 फीट का गेट दिया हुआ है। इसी गेट से एंटर हो तो काफ़ी आपको इस साइड ये पार्किंग एरिया मिलेगा। इस पार्किंग एरिए की बात करें तो आपकी 4 फीट बाई 7.5 फीट में आपको ये पार्किंग गैलरी मिलेगी जो काफ़ी बड़ी गैलरी मिलने वाली है। इस साइड अपना बाइक वगैरह इजिली पार्क कर पाएंगे। इस साइड अपना सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इजिली बना पाएंगे, जिसमें इजिली अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। आप इस साइड का तो ये आपको फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए हमने स्टेयर्स वगैरह दिया हुआ है जो कि आपको यू शेप स्टेयर्स मिलेगा, जो कि आपको 2.25 फीट का आपको स्टेयर्स मिलने वाला है, जो कि इसमें फर्स्ट फ्लोर पर भी इजिली इसमें 1 बेडरूम का पोर्शन मिलने वाला है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 बेडरूम का पोर्शन मिलेगा। स्टेयर्स के नीचे एक आपको कॉमन वॉशरूम मिलेगा जिसमें हमने 2.25 फीट का गेट दिया हुआ है। इसी गेट से एंटर हो तो काफ़ी आपको वॉशरूम मिलेगा। काफ़ी स्पेशियस साइज़ का आपको वॉशरूम मिलने वाला है। वॉशरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 4.5 फीट बाई 4.5 फीट में आपको वॉशरूम मिलेगा, जिसमें आपके शावर वगैरह आप इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। इसके वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन के लिए हमने इसी साइड से फ्रंट साइड द्वारा एक विंडो वगैरह दिया हुआ है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसी के द्वारा इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी वॉशरूम में अपनी बनी रहेगी। अब सामने की साइड ही देखें तो ये आपको किचन मिलने वाला है, जो कि आपको आर्च मिलेगा, जो कि आपको 4.5 फीट का आपको आर्च मिलने वाला है। अब इस किचन के एरिए की बात करें तो आपकी 4.5 फीट बाई 5 फीट में आपको किचन मिलेगा, जो कि आपको ओपन किचन मिलने वाला है। इसमें आप इजीली अपना होब और अपना सिंक वगैरह इजीली एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहें तो वॉल वगैरह पे टाइल का यूज़ कर पाएंगे, जिसमें इजीली अपना टाइल वगैरह इजीली वॉश कर पाएंगे। आर्च के बराबर में देखें तो एक आपको गेट मिलने वाला है, जो कि हमने 3.25 फीट का गेट दिया हुआ है। इसी गेट से एंटर हो तो काफ़ी आपको बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 8 फीट बाई 8 फीट में आपको बेडरूम मिलेगा, जिसमें आपके बेड वगैरह आप इजीली एडजस्ट कर पाएंगे, अपने सिंगल बेड वगैरह। इसमें आप वॉल वगैरह पे इजीली अपने टी पैनल का यूज़ कर पाएंगे, जिस तरह से हमने लगाया वगैरह हुआ है। इसी साइड का तो कुछ वॉल वगैरह पे हमने डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह का यूज़ किया हुआ है। इसी प्रकार कुछ अपने डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह लगा पाएंगे, वॉल पेपर वगैरह लगा पाएंगे। अब इस साइड से देखें तो ये आपको वेंटिलेशन के लिए हमने एक वेंटिलेटर वगैरह भी दिया हुआ है, जिसके द्वारा इसका प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसी के द्वारा इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी अपनी बेडरूम में आती रहेगी। उस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो मात्र 2 लाख में आपका बनने वाला है, जो कि आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।